ये मेरे बचपन का घर काफी बड़ा हुआ करता था, जमीन पर नहीं आसमान पर खड़ा हुआ करता था। सबके लिए सब ही कमरे खुले थे यहां। आंगन में पानी का एक घड़ा हुआ करता था। गर्मी में छांव या सर्दी में कड़क धूप दीवार से सटकर एक चारपाया पड़ा हुआ करता था। वो मानसून की बारिश में पेट के बल गीले फर्श पर फिसलने का अलग ही मजा हुआ करता था। वो खेलना, कूदना, गलियों में घूमना, आजाद मन जमाने से बेपरवाह हुआ करता था। वो लाल तरबूज, वो रसीला खरबूजा और आम भी चौसा या लंगड़ा हुआ करता था। वो क्रिकेट का बैट हो या टीवी का रिमोट, हर बात पर भाई बहन से झगड़ा हुआ करता था। वो चप्पल की मार, वो माँ का दुलार, पीटीएम वाले दिन हर कोई डरा हुआ करता था। त्योहार कोई भी हो या हो किसी की शादी, मन खुशियों से घर लाइटों से सजा हुआ करता था। वो होली से एक रात पहले से ही गुब्बारों से पानी का टब भरा हुआ करता था। वो तीज के दिन पतंग डोर लिए हर कोई छत पर चढ़ा हुआ करता था। वो दिवाली से हफ्तों पहले से मानो सारा शहर बाजार में उमड़ा हुआ करता था। हजार शराबों में जो ना मिल सका, गर्म दोपहर में ठंडी लस्सी का जो नशा हुआ करता था। तब हंसना, रोना, लालच सब सच्चा था। झूठा दिल में ना कोई एहसास पड़ा हुआ करता था। गलती जो हो जाए कोई बचपने में तो नसीहत देने को घर में कोई बड़ा हुआ करता था। न रहे वो दिन, पर अब भी याद बाकी है, बुजुर्गों की दी गई सौगात बाकी है। वो आलू, मूली के पराठे, हाथ से कूटा चूरमा पीछे रह गया सब, पर मुंह में स्वाद बाकी है। हाँ, घर छोटा लगने लगा है, लेकिन इस घर से मिली मजबूत बुनियाद बाकी है। नया एक देश, नई भाषा को भी अपना लिया, पर अंदर माँ बोली की पूरी लुगात बाकी है। दादा, दादी, नाना, नानी चाहे ना रहे हो दुनिया में, पर मेरी हर बात में उन्हीं की कोई बात बाकी है।